Hello, देश के फ्यूचर डॉक्टर्स, myself इंद्रदेव पटेल, pursuing MBBS from मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। मैं आज आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज लेके आया हूँ। आप सबको बता दें कि आज ऑफिशियली नोटिस आ गई है नीट पोस्टपोन होने की। अब आप बोलेंगे कि नीट पोस्टपोन होने में अच्छी न्यूज क्या है और हमारा क्या फायदा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया आपके लिए भले ही ये अच्छी न्यूज ना हो, बट हमारे उन भाइयों के बारे में जरा सोचो जो पूरे साल सिर्फ बदनाम चाय वाले के यहाँ खड़े होके पूरा समय व्यतीत कर दिए, बट उनको चाय भी ना मिली पीने के लिए। जब चाय की टाइम आई तो छुट्टी हो गई। तो डॉक्टर साहब, अब चाय के चक्कर छोड़ें और कायदे से पढ़ाई कर लें 2-3 महीने, क्योंकि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। सो ज़्यादा परेशान ना हो, शांत होकर 2-3 महीने जो बचे हैं वो पढ़ाई कर लें। अब बात आती है कि नीट कब हो सकता है या फिर एडमिट कार्ड कब आएगा। तो देखो, 15 तारीख तक तो 15 अप्रैल तक तो ऑफिशली बंद है, फिर उसके बाद अगर स्थिति सही रही तो ये स्कूल वगैरह खोलेंगे। उसके बाद कुछ दिन तुम्हारी कोचिंग वगैरह भी चलेगी, फिर कुछ दिनों बाद ये एडमिट कार्ड निकालेंगे। तो एडमिट कार्ड आने के 1 महीने बाद तुम्हारा एग्जाम होता है। तो कुल मिला जुला के तुम्हारे पास 2 से 2.5 महीने या 3 महीने तक टाइम है। तो सबसे बेहतर ये होगा कि 3 महीने में तुम अच्छे से रिवाइज कर लो और ज़्यादा डिटेल में ना जाके सिर्फ अच्छे तरीके से जो मेन मेन टॉपिक है वो देख के अच्छे मार्क्स लाओ नीट में और अच्छे से सिलेक्शन ले लो। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नोटिस में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया है कि कब नीट होगा या फिर कब एडमिट कार्ड आएगा। आफ्टर ऑल यू शुड कीप इन माइंड कि टाइम बढ़ा है तो सबके लिए बढ़ा है। सो ऐसा ना सोचें कि टाइम बढ़ा है तो मेरा नंबर ज़्यादा आएगा और मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि चूँकि टाइम बढ़ा है तो सबके लिए बढ़ा है, तो सभी लोग अपने ही तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं ज़्यादा नंबर लाने के लिए। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें। In this video, from starting, we have shown a image from which had taken from the NCRT, which actually means the inspiring life.